हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो यहाँ पे समर के घर में पुलिस आया है राधिका, राधिका के पापा के साथ, और यहाँ पे हिदायत दे दी है उसने, पुलिस ने समर और गुनगुन दोनों को, कि शहर छोड़ के मत जाना ताकि मेरी कार्रवाई चलती रहे, और अगर कार्रवाई के बीच में शहर छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुनगुन तो ऐसे भी कहीं जाने वाली है नहीं, क्योंकि गुनगुन के लिए तो अमेरिका, लंदन, पेरिस सभी समर का ही घर है। वो तो ऐसे ही समर के घर को नहीं छोड़ती है, तो वैसे क्या छोड़ेगी, उसके तो पूरी दुनिया समर का घर है। दूसरी बात, जोक्स अपार्ट, दूसरी बात है कि समर को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। उससे पुलिस जब पूछ रहा है तुमको रहना किसके साथ है, तो बोल रहा है मेरी बीवी राधिका, मुझे राधिका के साथ रहना है। तो राधिका के साथ फ्रेंड्स उसके क्यों नहीं रहना है, राधिका तो है काम वाली नौकरानी, उसके साथ रहेगा तो जानता है 2 वक्त का खाना तो सही से मिलेगा, घर का सारा काम तो होगा, मैं सही से रह पाऊंगा, मेरी मम्मी भी आएगी तो वो भी चैन से सो पाएगी। और गुनगुन मैडम के साथ उसका ऐसा कुछ है नहीं, तो गुनगुन मैडम को भी वो रखना चाहता है एज अ की, वो उसको रखना चाहता है ताकि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी रहे और मेरी बीवी भी रहे घर में। वाह, ये बहुत अच्छा है, गर्लफ्रेंड भी घर में रहे और बीवी भी घर में रहे, बीवी सेवा करे और गर्लफ्रेंड बच्चा पैदा करे, बस उसको दोनों ही चाहिए, वो किसी को छोड़ना नहीं चाहता है। इस आदमी को ना 4 डंडे अच्छे से पड़ना चाहिए पुलिस के, पुलिस को तो उसको घसीट के ले जाना चाहिए था अपने वहाँ पे जेल में बंद करके, 4 कौड़े मारने चाहिए थे। और गुनगुन मैडम को तो लेडी कांस्टेबल से 2-3 थप्पड़ खिलानी चाहिए थी, तब उसके मुंह से बच्चे का बाप का नाम निकलता। यहाँ पे बोल रही हो कि ध्रुव मुझे छुआ है, ध्रुव झूठ बोल रहा है कि उसने नहीं छुआ है, तो यहाँ पे तुमसे बच्चे का बाप का नाम पूछा जा रहा है, तो तुम बता क्यों नहीं रही हो, तुम क्यों बोल रही हो मैं नहीं बता सकती, कल भी पूछा गया सेम आंसर, आज भी पूछा गया सेम आंसर कि मैं नहीं बता सकती, तो बच्चे का बाप बोलने में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा बच्चे का बाप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री है, जो तुमको बोलने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ध्रुव भी नहीं है, समर भी नहीं है, तो तीसरा कौन है, छोटू है, उसका नाम बता दो, तीसरा जो बाप है उसी का नाम बोल दो भाई, तुमसे तो कुछ भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि तुम लड़की इतनी घटिया निकलोगी मुझे तो नहीं पता था। मैं तुमको शुरू से बहुत अच्छा समझती थी गुनगुन, अभी भी तुमको मैं अच्छा समझती थी, मगर तुम अपना खुद का रेपुटेशन हर एक जनता के सामने खराब की हो, ये मैं तुमको दावे के साथ 101% बोल सकती हूँ, कि कोई जनता तुम्हारे फॉर में नहीं बोलता, हर कोई तुम्हारे अगेंस्ट बोलता, क्यों, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर इतना गंदा हो गया है, तुम अपने आप को ऐसे बना ली हो, नहीं तो अच्छी लड़की होने से तुमको सब कोई अच्छा बोलता। और ये समर, समर तो है ही एकदम घटिया, उसकी माँ उसका साथ दे दे के और बेटे को एकदम बिगाड़ के रख दिए, दोनों को कोड़े बरसाने चाहिए, दोनों के ऊपर अच्छे से मारना चाहिए डंडे डंडे, तभी जाके इनका मुंह खुलेगा, और खासकर गुनगुन का। बस फ्रेंड्स, मुझे तो इतना गुस्सा आता है गुनगुन का ये बिहेवियर देख के, कि इतनी अकड़ के खड़ी रहती है ना ये लड़की, ऐसा लगता है इसने कोई गलती नहीं की है, जितनी गलती है तो राधिका, राधिका के पापा ने ही की है। बस जिसको आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो इन चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।